और फ्रेंड आप लोगों को क्या करना है, ये जो मैं पैटर्न बना के आप लोगों को दे रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो इसमें आपको डायरेक्टली आपको अपना खुद का साड़ी में यूज नहीं करना है। पहले आप क्या करें, आप पहले अपना किसी दूसरे में प्रैक्टिस करिए, वो ठीक ठाक करिए, उसके बाद आप फाइनली करें, ठीक है। यानी कि मैं दिखा रहा हूँ, आप एक बार ही आप करें ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टिचिंग करने के बाद भी थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है वो सब। एक बार आप ठीक कर लीजिए, उसके बाद दोबारा आप उसे करिए, ठीक है। ये देखिए, ये पार्ट को मैंने इस जगह में कर लिया है, और इस पार्ट को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे हम, ठीक है फ्रेंड। जितना हमने उस जगह में शॉर्ट किया था उसी हिसाब से इसको हम ऐसे कर देंगे, थोड़ा सा कर दिया जाए, ज्यादा नहीं है, मैंने थोड़ा सा कर दिया, ठीक है, क्योंकि इस जगह में ऐसा ही है, इसके अंदर ऐसा ही है। चलो ठीक ठाक है, तो अब हमें क्या करना है, इस पार्ट को तैयार करना है। तो देखिए, ठीक है, अब हमें इस पार्ट को नहीं चाहिए, चलिए हटा देते हैं। और हम ऊपर में हम क्या कर रहे हैं, तो इस जगह को आप ध्यान से समझिए फ्रेंड, हम इसके ऊपर जो हम ओवन लग करेंगे, इसको ऊपर करेंगे, तो इस पार्ट का हाफ इंच कम हो जाएगा, और इस पार्ट में हाफ इंच हम बढ़ा के कर रहा है, इसमें जब हाफ इंच कम हो जाएगा तो इस पार्ट में हमें ज्यादा करना है, ठीक है। तो हाफ इंच से हम थोड़ा सा ज्यादा हम इस पार्ट में ले लेंगे, हम क्योंकि इसमें हाफ इंच कम हुए कम के सीधा होगा, और उसके और हाफ इंच फोल्ड होके ये अंदर चले जाएगा, ठीक है। वो एक टेक्निक है, और दूसरा टेक्निक है फ्रेंड, आप सिर्फ क्वार्टर इंच लीजिए और इसके ऊपर ओवरलैप कीजिए, ठीक है। तो कोई भी टेक्निक आप यूज करें इस जगह में, थोड़ा सा मैं इस जगह को बढ़ा के ले रहा हूं। तो आप एक काम कीजिए, वैसा ही कीजिए, इसमें हाफिंग से थोड़ा सा कर लीजिए, वो टेक्निक यूज करिए और इसके अंदर आप दे दीजिए, चलेगा, कोई बात नहीं है। और इसको एक मार्क कर लेना, चलो ऐसे करके, ये हमारा ऊपर है और ये साइड है, मैंने मार्क कर लिया है, और इसके बाद इसे ऐसे करके कटिंग करना है। ठीक है फ्रेंड, तो ये देखिए हमारा ये लेफ्ट साइड का जो पार्ट है ये, और ये हमारा जो राइट साइड का जो पार्ट है ये अंदर इसी तरह रहेगा, ठीक है। तो और अब क्या करना है फ्रेंड, अब हमें ये जो बैक पार्ट था पहले, इसे हम चेंज कर लेंगे, यानी कि ये लाइक एसिमेट्रिकल जो हमारे इधर उधर दोनों अलग है, तो एसिमेट्रिकल टाइप है, एक छोटा है एक बड़ा है। तो मैंने क्या किया, इसको और इसको ऐसे कर लिया है, और जैसे कि इसमें मैंने
पहले से दो जगह का डार्क दे मैंने एक प्रिंसेस का तैयार कर लिया है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड, आप इस जगह को ध्यान से समझिए। अगर ये ओवरलैक तो ऐसा ही है, अगर आप लोग अगर इसे फिटिंग्स करना चाहे तो वो ड्रेस फिटिंग्स नहीं होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसलिए इसके अंदर इसी तरह दोनों पार्ट को जैसे हमारे नॉर्मल ब्लाउज होता है वो हम एक पोटी बनाएंगे, उसके ऊपर हुक लगाएंगे, उस जगह में ही हुक लगाएंगे। और ऊपर में फ्रेंड ये जस्ट फॉर शो, ठीक है, और हम इसे बोतल दे देंगे, ये जस्ट फॉर शो होगा, ठीक है। इसी मैं लॉजिक को इसमें यूज कर रहा हूँ और फ्रंट ओपन होगा इसका। और आप लोग अगर चाहे तो इसका बैग भी ओपन कर सकते हैं। तो बैग ओपन करने से वो किस तरीका से होगा वो और एक अलग टेक्निक होगा, ठीक है। अलग टेक्निक का मतलब है जैसे कि बैक कॉलर में हुक लगाते हैं और फ्रंट ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि उस जगह में आप थोड़ा सा डिजाइन कर दे वो आप बैक ओपन कर ले, ठीक है, अलग बात है। अगर ये डिजाइन जो दिखा रहा हूँ मैं मुश्किल जगह का काम आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ये बहुत ठीक से दिखा जाए तो ये बहुत ईजी और बहुत ही आसान है, ठीक तरीका और मेथड समझने का जगह है ये, और करने में भी आप लोगों को बहुत कुछ समझना है इस जगह में के लिए, इस जगह के लिए। तो वो क्या है, देखिए इस पार्ट को मैं इस जगह को पाका करेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिए, इस जगह को मैंने एक ही साथ पाका करके फोल्ड कर देंगे, उल्टा देंगे हम इसे, वो पाका हो गया है, थोड़ा सा कम हो गया है, इस जगह में भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, हम कम करके ही लगाएंगे। उसके बाद इसे ऐसे ही दे देंगे इस जगह में, ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका है फ्रेंड, इस जगह को आप कोई भी पोटी लगा के इसे अलग से पका करके इस जगह को वो भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, ठीक है। तो चलिए ये था हमारा इसका पैटर्न है, और हम ये बैक पर तो कटिंग करके उसके बाद इसको इसका हम कपड़ा कटिंग भी आप लोगों को दिखा देंगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा करने में। और मैं कुछ भी हाइड नहीं करूँगा, बिल्कुल क्लियर दिखा दूंगा। और बैक पार्ट को देखिए कैसे मैं चेंज करता हूँ, थोड़ा सा अलग करना है इसे हमें, ये हमारा बेसिक जैसा है वैसा ही है, पहले ड्रॉ करना है उसके बाद चेंज करेंगे हम इसे। और ये कितना बड़ा है इस जगह में, ठीक है, वो हम देखेंगे। ये देखिए अंदर चले जाएगा, चलिए इतना सा बड़ा करने से काम हो जाएगा, ठीक है। और उसका इधर आपको देखना है फ्रेंड, इधर हमारा पैटर्न लगाएंगे वो कम हो जाएगा, हाफ इंच सीधे अंदर चले जाएगा, और इधर भी डाउन लगा के हाफ इंच कम हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने इधर का और इधर नीचे का सेम रखा है, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, सिर्फ इसे जैसा है चलो हम वैसा ही कर दे इसे। अभी जगह को ऐसे कर देंगे हम इसे, ठीक है, कटिंग करने के बाद ये ऐसा आएगा, और इसके बाद यहाँ से ये ऐसे करके जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इस जगह को कटिंग कर लूँ पहले, और ये मैं अपना हिसाब से कर रहा हूँ, और आप लोग चाहे तो इसे अपने हिसाब से करिए, लेंथ बढ़ाइए कमाइए, कोई बात नहीं है। उसके बाद देखिए हमें सिर्फ जो करना है चेंज करना है, सिर्फ एक मार्क करना है इस जगह में जितना था पहले, तो अब हमें इस जगह से इस जगह तक हम मिला देंगे इसको। इसी तरह ये रहेगा, ये हमारा लेफ्ट यानी कि मॉडल के हिसाब से देखा जाए उसका राइट, ठीक है। तो अब हम कटिंग करने जा रहे हैं, इसका जो टेक्निक
मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बहुत ही इजी है, आप देखते रहिए। तो फ्रेंड ये देखिए मैंने कटिंग कर लिया है और अब मैं धीरे धीरे इसके बारे में आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न था, ठीक है। देखिए कुछ भी हाइड नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत ही वाइटल जगह है, इसे दिखाना बहुत जरूरी, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, नहीं तो ये नहीं दिखा रहा था मैं। ये देखिए इसका लाइनिंग ये है, ये हमारा बैक फट गया है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा देखिए, ये एक पार्ट चाहिए हमारा, इधर का एक पार्ट चाहिए, और ये लाइलिन दो चाहिए हमारा, एक पार्ट इधर और दूसरे पार्ट इधर, ठीक है। इसका लाइलिन ये है, ये भी गया है। और उसी के साथ सर फ्रेंड ये देखिए इस पार्ट का, ये इधर का पार्ट है, ठीक है। और इसका दो लाइनिंग लगेगा, ठीक है। क्यों लगेगा दो मैं बता रहा हूँ, ये दो और इसके राइट का और एक, यानी कि इस पार्ट के थ्री हो गया है, ठीक है। ये भी गया है और ये थ्री पार्ट का है, ये देखिए ये दोनों तरफ का थ्री लाइनिंग मैंने लिया है, 1 2 3। क्यों लिया है मैं मशीन में बैठकर मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये लिया है और ये हमारा ये पार्ट है, ठीक है। ये पार्ट ये दो और इसके अंदर मैंने लाइनिंग नहीं दिया है, मैं इसमें चाहूँ तो इसके अंदर बकरम दे दूँ और नहीं तो ये वाला कपड़ा दे दूँ, कुछ भी दे दूँ, ये मैंने बाद में दिखा दूंगा आपको। मैं सिर्फ आप लोगों को कटिंग दिखा दिया है इस जगह, तो आप कुछ भी नहीं है, आप जो पाइपिंग है वो धीरे धीरे मशीन में बाकी जो काम है वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते रहिए। तो ये देखिए मैं सबसे पहले आपको दिखा रहा हूँ लाइलिन लगाना, दिखा रहा हूँ कौन सी पार्ट में कैसे लगा रहा हूँ, ये देखिए। अब मैं ये पूरा लगा के उसके बाद दिखाऊंगा, ठीक है। हो गया है इसके नीचे और इसे मैं एक ही साथ ही साथ मैं इसको डार्ट दे टेकन देकर मैं इसे कंप्लीट कर रहा हूँ एक ही साथ, ठीक है। तो ये देखिए इस जगह में इसका टेकिन दे रहा हूँ मैं, ठीक है, इस जगह में दे रहा हूँ। और टेकिन कैसे देना है पता है तो फिर भी बता रहा हूँ, ये नीचे इसी तरह इक्वल रहेगा और उसके बाद इसी तरह रहेगा इस जगह में। और अब 4 इंच तक आप उठा सकते हो, और उसके बाद दूसरा साइड देना है, आप चाहे तो थोड़ा सा इधर भी आप दे सकते हो, यानी कि इतना इतना सा करके भी दे सकते हो, मगर मैं ऐसे दे रहा हूँ, इधर छोटा करके दिया है इस जगह में, तो वैसे ही हम दे देंगे, इधर भी वैसा ही दे देंगे हम। तो फ्रेंड ये देखिए ये तो थोड़ा सा एक दिक कम है एक दिक ज़्यादा है, तो इसलिए देखिए आपको ये ठीक ठाक रखना है, ठीक है। और ये इक्वल रखना है, तो इसी जगह में एक डार्ट छोटा होगा और एक बड़ा होगा। ठीक है, ये देखिए इसी तरह देना, क्योंकि हमें इस जगह में ठीक ठाक रखना है, ठीक है, इस जगह को ठीक ठाक रखना है। और इधर कम हो ज़्यादा हो ऐसे कोई मतलब नहीं है हमें, ये देखिए फिर से ऐसे देना है आपको। तो चलिए इसका काम हो गया है, अब देखिए क्या करता हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए मैंने ये ऊपर का पार्ट में लाइनिंग लगा दिया है, और तो बैक पार्ट तो मैंने दिखाया, ये मैंने बेसिक ऊपर का पार्ट के लिए मैंने ये लगा दिया है। अब नीचे में भी इसी तरह करना है, और नीचे में हम दिखा रहे हैं अभी नीचे में पार्ट में क्या करना है कैसे क्या करना है सभी मैं दिखा रहा हूँ। तो ये हमारा इस तरफ का पार्ट है, ये हम नहीं कुछ करेंगे इसे, ये मैंने
ये जो लेप वाला हमारा जो पार्ट है, ये देखिए इस जगह को मैंने ऐसा कर लिया है और इस जगह में भी मैंने इसे बिट लगाया है और इसी को मैंने एक्स्ट्रा रखा है, तो बाद में दिखा दूंगा कैसे क्यों हमने एक्स्ट्रा, क्योंकि इस पार्ट में हमें लगाना है और पहले मैं इसे करूंगा। ठीक है, इसे जिस तरीके से करते हैं तो इसी तरह हम इसे लगाएंगे। तो लगाया कैसे जाएगा इसमें, तो फिर हम इधर से तो देख नहीं पा रहे हैं, तो हम उल्टा करके जैसे आप लोगों को सिखाया उसी हिसाब से हम इसे लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसका मैं दिखा दूँ आप लोगों को। ठीक है फ्रेंड, तो ये प्रीसेस कट में जो पाइपिंग देना है हमें उसका उल्टा करके इसी तरह हमें करना है। ठीक है, ये जो स्टिच दिख रहा है इसका लेफ्ट में से हम स्टिच करेंगे तभी बीट को प्रॉपरली होगा बीट। ठीक है फ्रेंड, तो ये देखिए इसी तरह फिनिशिंग होगा और उसके बाद देखिए क्या करता हूँ। उसके बाद हम इसे लॉक देना है इधर से, ठीक है, ये बीट बढ़ गया है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, मैं फ्रेंड मैं सैंपल से थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को बोला है थोड़ा सा जैसे कि जिसे अच्छा लगता है मैं उसी हिसाब से कर रहा हूँ और आप लोग प्लास्टिक चाप से ही करेंगे आप लोग, मैं तो इसी चाप से कर रहा हूँ। अगर आप लोगों का हाथ ठीक ठाक है तो आप ये फुटर से ही करिए, आप कोई बात नहीं है। तो ये हमारा इधर का काम हो गया है और तो हम इधर भी फ्रेंड उसी तरह करेंगे। ठीक है, इधर का मतलब है जैसे कि इस तरफ का जो पीसेस का भी पार्ट होता है वो हम लगा लेंगे और वो हम नहीं दिखाएंगे ये पार्ट। ठीक है, इस तरफ का हम लगाएंगे, ये कैमरा में नहीं दिखाऊं क्योंकि ये पार्ट और ये एक ही टेक्निक है। ठीक है, तो मैं ये लगा कर फिर से दूसरा टेक्निक दिखा रहा हूँ। और ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने लगा लिया है और उसके बाद इस पार्ट में भी ऐसे लगा दिया है, तो इसके बाद हमें इस पार्ट को तैयार करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लगा रहे हैं इस जगह में, तो हम और वो लगाने से पहले आपको शॉर्टिंग करना है इस जगह में। अगर ठीक ठाक ना हो, जैसे कि लाइनिंग लगाने के बाद कपड़ा थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसी तरह देखना है। चलो हमारा एकदम परफेक्ट है, तो हम इधर से लगाएंगे। इधर से क्यों लगा रहे हैं फ्रेंड, ताकि हमें तो पाइपिंग लगाया है इसमें, तो फिनिशिंग ठीक ठाक होगा, पाइपिंग से धागा नहीं छूटेगा, तो इसलिए हम इधर लगा रहे हैं इसे। ठीक है, इसी तरह हम उसे लगा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसी तरह इसे करना है और मैंने ये अलग सा लुक दे दिया इसके अंदर,
मैंने पाइपिंग लगा दिया इसके अंदर, और ठीक है फ्रेंड, तो मैंने इस जगह को एक दिया है, आप चाहे तो इसमें दो स्टील लगा सकते हैं। ठीक है, अब दो लगा दीजिए, कोई बात नहीं है। और उसके बाद चलिए मैं दूसरा दिखाता हूँ। और फ्रेंड ये देखिए, मैंने ये जो पार्ट है हमारा लेप पार्ट, जिस पार्ट में डिज़ाइन है रखूँ ऐसे करके, तो वो पार्ट में मैं अलग से इसी तरह एक पार्ट करके उसका मैं हुक पोटी करना है आपको। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है फ्रेंड इस डिज़ाइन का। इस डिज़ाइन का जो वाइटल जगह है फ्रेंड वो ये है। ठीक है, तो देखिए कैसे कर रहा हूँ, मैंने इस पार्ट को अलग से कर लिया है। ठीक है, ये हुक पोटी हो रहा है। ये देखिए घुमा के नीचे चले गया है।